एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल द शाइनी गर्ल अंकिता गोयल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, तो जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ आपको टाइटल देखकर समझ ही आ गया होगा। ये है मेरा वन ब्रांड स्किन केयर सीरीज का एपिसोड नंबर 4। आई नो मेरे वन ब्रांड स्किन केयर सीरीज के एपिसोड काफी लेट हो गया, बट मैं रेगुलरली अब वीडियोज अपलोड करूंगी वन ब्रांड स्किन केयर सीरीज के। तो मेरी वन ब्रांड स्किन केयर सीरीज में आज है ब्रांड मदर्स पर्श। सो स्टार्ट कर लेते हैं। तो रिसेंटली मदर्स पर्श ने कुछ न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, तो ब्रांड ने मुझे ये अपने प्रोडक्ट्स भेजे थे दिसंबर मंथ में, और मैं आपके साथ आज ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली प्रोडक्ट्स के बारे में, और डिटेल रिव्यू वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहले मैं ब्रांड के बारे में बात कर लेती हूँ मदर्स पर्श के बारे में। तो मदर्स पर्श एक इंडियन ब्रांड है। इनके सारे प्रोडक्ट्स प्लांट पावर फॉर्मूला से बने होते हैं और इनके प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता, जैसे कि पैराबीन, सिलिकॉन डाई, आर्टिफिशियल कलर एंड फ्रेग्रेंस। और इनके प्रोडक्ट सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, कोई भी हार्श केमिकल नहीं होता जो आपकी स्किन को इरिटेट करे या हार्श हो आपकी स्किन पर। और इनके सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक सर्टिफाइड होते हैं। तो मदर्स पर्श ने मुझे 5 प्रोडक्ट्स भेजे थे। 5 प्रोडक्ट्स में इंक्लूड है अंडर आई जेल, बॉडी बटर, हनी फेस मास्क, फेस क्रीम है और फेस वॉश है। अगर मैं प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग की बात करूं तो पैकेजिंग मुझे काफी कन्वीनियंट लगी, ट्रेवल फ्रेंडली लगी और काफी कलर कोऑर्डिनेटेड पैकेजिंग है, तो पैकेजिंग मुझे काफी अच्छी लगी। तो पैकेजिंग जो आउटर पैकेजिंग है ये नॉर्मल कार्डबोर्ड बॉक्स पे है, और कार्डबोर्ड बॉक्स पे आपको सारी डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, इंग्रेडिएंट बेस्ट विद प्राइस क्वांटिटी और सारे प्रोडक्ट्स के कैसे यूज करना। और मेन पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की, ये जो फेस वॉश है इसकी कोई आउटर पैकेजिंग नहीं है, ये ट्यूब साइज पैकेजिंग में है। ऐसे ट्यूब साइज पैकेजिंग में फेस क्रीम है, अंडर आई जेल है, फेस मास्क और बॉडी वाटर, ये टब साइज पैकेजिंग में है। अब मैं प्रोडक्ट्स के की इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेती हूँ वन बाय वन। तो फर्स्ट, ये जो मदर्स पर्श का अल्ट्रा रिच फेस वॉश है, इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं वेनिला ऑयल, अर्थ मैरिन वाटर, तेज पत्ता ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। ये बॉडी वाटर के की इंग्रेडिएंट्स हैं शिया एंड कोको बटर, जोजोबा ऑयल एंड कैलोनडला ऑयल। ये फेस क्रीम के की इंग्रेडिएंट है कोकम बटर, शिया बटर एंड लेवेंडर ऑयल। ये अंडर आई जेल के की इंग्रेडिएंट है एवोकाडो ऑयल, क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट, आलमंड ऑयल एंड ग्लिसरीन। पर्श के फेस मास्क के इंग्रेडिएंट है ओटमील एक्सट्रैक्ट, एवोकाडो ऑयल एंड हनी। मैं प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स, टेक्सचर और एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेती हूँ वन बाई वन। प्रोडक्ट्स के टेक्सचर की बात करूँ तो ये जो हनी फेस मास्क है इसका थिक टेक्सचर है, ये ऐसे व्हाइट कलर के उसमें एकदम क्रीमी वाला टेक्सचर है। जब अपने फेस पर अप्लाई करोगे तो एकदम ऐसे लगता है कि क्रीम अप्लाई करे, बस इसको 10-15 मिनट्स अपने फेस पर अप्लाई करना होता है और फिर ड्राई होने के बाद आप इसको रिंस कर सकते हैं वाटर से। सेकंड जो है मदर्स पर्श की फेस क्रीम है, इसका टेक्सचर भी थिक नहीं है बहुत ज्यादा। इसका मैं दिखा देती हूँ आपको टेक्सचर, तो ये देखिए ये ऐसे है फेस क्रीम, इसका ये देखिए टेक्सचर, ये बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है, लाइट वेट है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी, नॉन स्टिकी एंड नॉन ग्रीजी फेस क्रीम है। थर्ड, ये जो मदर्स पर्श की अंडर आई रिकवरी जेल है, इसका टेक्सचर भी बहुत ज्यादा लाइट है, नॉन स्टिकी एंड नॉन ग्रीजी है, और अंडर आई एरिया में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, एकदम कूलिंग इफेक्ट देती है, तो ये अंडर आई जेल मुझे काफी अच्छी लगी। नेक्स्ट जो ये मदर्स पर्श का अल्ट्रा रिच फेस वॉश है, इसके टेक्सचर की बात करूं तो इसका टेक्सचर मुझे थिक लगा, मतलब बहुत ज्यादा वॉटरी भी नहीं है, बट थिक है। जब अपने फेस पर इस फेस वॉश को अप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा थिक है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे लगता है कि रब करना पड़ रहा है, बट ये जेंटल है स्किन पर और आपके स्किन को इंस्टेंट ग्लो देता है और एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है। लास्ट, ये जो मदर्स पर्श का प्रोडक्ट है बॉडी बटर, इसका टेक्सचर फ्रेग्रेंस मुझे काफी अच्छा लगा, ये प्रोडक्ट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। इसका टेक्सचर भी थिक नहीं है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, तो ये देखिए ऐसे व्हाइट कलर का है, ये देखिए बॉडी वाटर का टेक्सचर बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, फ्रेग्रेंस तो इसकी एकदम ऑसम है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया बॉडी वाटर। मैं इस बॉडी वाटर को इन फ्यूचर डेफिनेटली रिपर्चेज करने वाली हूँ, ये मुझे सबसे अच्छा लगा इनका बॉडी वाटर। तो मैं प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेती हूँ। तो फर्स्ट, मैं मदर्स पर्श के अल्ट्रा रिच फेस वॉश की बात करूंगी।
तो ये फेस वॉश परफेक्ट है फॉर डेली यूज के लिए, सुटेबल है फॉर ऑल स्किन टाइप के लिए। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, नरिश करेगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट, सपल और ग्लोइंग बनाएगा, और ये आपकी स्किन को डीपली क्लेंस करता है, ऑयल एंड डर्ट को रिमूव करता है, क्लीन करता है आपकी स्किन को, प्लस ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा। कुछ फेस वॉश का क्या होता है कि आपकी स्किन को ड्राई करते हैं। नेक्स्ट मैं मदर स्पर्श के फेस क्रीम की बात करूंगी, तो ये परफेक्ट है फॉर डेली यूज के लिए, सुटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए। इसको नॉर्मल, ऑयली, सेंसिटिव, कॉम्बिनेशन, ड्राई स्किन, सारे स्किन टाइप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करती है, नरिश करती है, आपकी स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाती है, और ये फेस क्रीम आपके फेस को डीपली नरिश करेगी, मॉइस्चराइज करेगी, तो आपके जो पोर्स है, ओपन पोर्स है, उनको क्लॉग नहीं करेगी, और ये आपके स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करती है। एंटी पिगमेंटेशन फेस क्रीम है ये। फेस क्रीम के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है जो आपके फेस स्किन को प्रोटेक्ट करता है, आपके टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। तो नेक्स्ट मैं मदर स्पर्श के अंडर आई रिकवरी जेल की बात करूंगी, तो ये अंडर आई जेल काफी अच्छी है। ये आपके अंडर आई एरिया को हाइड्रेट करेगी, नरिश करेगी, आपकी जो आईज टायर्ड होती है उनको अच्छे से हाइड्रेट करती है, रिड्यूस करती है साइन ऑफ एजिंग, डार्क सर्कल, रिंकल, सबको ये रिड्यूस करने में हेल्प करती है, रिड्यूस करते हैं पिगमेंटेशन को, पफीनेस को भी, जो अंडर आई एरिया, अराउंड द एरिया की स्किन है उसको फर्म करती है, ब्राइटर करती है, नरिश करती है। ये परफेक्ट है फॉर ऑल स्किन टाइप के लिए, इसको सारे स्किन टाइप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बॉडी बटर की बात करूंगी, तो ये नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीजी है, इजिली अब्जॉर्ब हो जाते हैं आपकी स्किन में, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगा, मॉइस्चराइज करता है अच्छे से, और ये परफेक्ट है फॉर ऑल सीजन के लिए, आप कोई भी सीजन में यूज कर सकते हैं, सुटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए। बॉडी बटर फ्रेग्रेंस भी स्ट्रांग नहीं है, काफी अच्छी फ्रेग्रेंस है, वनीला वाली। नेक्स्ट मैं ये बात करूंगी मदर स्पर्श के फेस मास्क की, जैसे कि इस पे ऑलरेडी लिखा हुआ है नरिशमेंट एंड ग्लोइंग स्किन, मतलब ये नरिश करेगा आपकी स्किन को, हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन पर से डर्ट, इम्प्योरिटीज और ऑयल को रिमूव करेगा, आपकी स्किन को क्लीन, हेल्दी और सॉफ्ट एंड सपल बनाएगा ये फेस मास्क, और ये फेस मास्क जो क्लॉग पोर्स है उनको भी अच्छे से क्लीन करता है, पोर्स के अंदर से डीपली क्लेंस करता है आपकी स्किन को, माइल्डली एक्सफोलिएट करता है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि ओटमील आपकी स्किन को अच्छे से डीपली क्लेंस कर देते हैं, तो ये फेस मास्क भी मुझे अच्छा लगा। ये सारे प्रोडक्ट्स ओवरऑल मुझे अच्छे लगे, मेरा इनके साथ का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, मैंने इन प्रोडक्ट्स को 2-3 times यूज कर लिया है। जो फेस वॉश है और अंडर आई जेल और फेस क्रीम है, इनको मैं डे में एक बार यूज करती हूँ, आप इनको मॉर्निंग एंड नाइट में यूज कर सकते हैं, और बॉडी बटर को भी आप डेली अप्लाई कर सकते हैं अपने बॉडी पर आफ्टर शावर और जब भी आपका मन करे। तो ये प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, केमिकल से फ्री है, इनके अंदर कोई भी SLS, पैराबीन, सिलिकॉन सबसे फ्री है, और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं, तो आप इन प्रोडक्ट्स को जरूर ट्राई कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी वेबसाइट की, और एक कूपन कोड है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, जब ये प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करोगे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा मदर स्पर्श के जो फीमेल वाले फेमिनाइन स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उन पर है, और इतने ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मुझे नहीं लगे हैं ये। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, यही था मेरा वन ब्रांड स्किन केयर का एपिसोड नंबर 4। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगेगी, पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं नोटिस कर रही हूँ, मैंने अपने एनालिटिक्स में भी देखा है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो वीडियोस को नहीं देखते हैं, जो अननोन है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियोस को देखते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो मैं जरूर आपको आंसर करना पसंद करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।